और अब आपको बिहार में बाढ़ से मचे हाहाकार से खबरदार करते हैं, जहां गंगा के उत्तर में बहने वाली नदियां इन दिनों उफान पर हैं। बिहार में बाढ़ की वजह नेपाल का पानी है। पिछले कुछ दिनों में नेपाल में मूसलाधार बरसात हुई है और ये पानी छोटी छोटी नदियों के रास्ते बिहार पहुंचा, निचले इलाकों में तबाही मचाता हुआ। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, छपरा, वैशाली तक बाढ़ ही बाढ़। बारिश नेपाल में हो रही है लेकिन तबाही बिहार में दिखती है। बिहार में बाढ़ की विनाश लीला जारी है। कोसी क्रोधित है, गंडक गुस्से में दिखती है। बगहा में ऐसा लगता है कि बारिश नहीं हो रही, मानो आसमान से सीधी आफत बरस रही हो। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में साफ दिखता है कैसे बाढ़ से चारों तरफ हाहाकार मचा है। बिहार में बगहा के पश्चिम चंपारण तटबंध टूटने के बाद देखिए बाढ़ से बर्बादी के निशान दिखते हैं। जहां सड़कें थीं वहां नदियां बह रही हैं और नदियों में मानो समंदर समा गया हो। पानी ने ऐसा प्रकोप दिखाया, हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर पलायन को मजबूर होना पड़ा। बिहार के 19 जिलों में बाढ़ के कहर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद मोर्चा संभाला है। आज नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित कई जिलों का हवाई सर्वे किया। नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया, अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सहरसा में इतना पानी बरसा कि पुलिस थाना भी तैरने लगा। ये पूरा थाना जो है ये पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। चारों तरफ देखिए आप, ये थाना जो है 3 से 4 फुट का पानी जो है वो अंदर जो है घर अंदर जा चुका है। पश्चिमी चंपारण में बाढ़ विकराल रूप लेती जा रही है। सैकड़ों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। खेतों में पानी भरा है, सैकड़ों एकड़ खेती बर्बाद हो गई। पहले से कर्जे में डूबे किसान समझ नहीं पा रहे कब तक उन्हें कुदरत के कहर का सामना करना पड़ेगा। बगहा से शशि भूषण के साथ रोहित सिंह, सहरसा आज तक।